नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। गणमान्य सम्मान्य व्यक्ति, आज के दिन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ सभी को, क्योंकि गणपति उत्सव ये ऐसा उत्सव है कि हम सभी अपने जीवन में मनाते हैं। और हमारी मीरा भाईंदर नगरी भी एक धार्मिक रूप से जानी जाती है। पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी एक विशेषता रही है। और महाराष्ट्र में बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे गणपति बाप्पा सार्वजनिक रूप से भी आते हैं और लोगों की श्रद्धा और आस्था देख के दिन ब दिन घरों में भी गणपति बाप्पा की संख्या बढ़ी है और वो गणपति बाप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा है। उसी श्रृंखला में हमारे मोजे चिन्नप्पा जी, जो मीरा भाईंदर में समाज सेवक है, वो हर वर्ष गणेश उत्सव का अपने घर पे आयोजन करते, अपने मित्र परिवार के सभी लोग, सगे संबंधी, सभी पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, बड़ी उत्साहपूर्वक ये त्यौहार मनाते हैं। मैं उनके परिवार को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत सुंदर तरीके से गणेश उत्सव मनाते हैं। और गणेश उत्सव मनाने के पीछे का हेतु यही है कि सभी सगे संबंधी आए, हम सब एक हो, इसके पीछे का हेतु उनका रहा है और वो उसमें हमेशा सफल रहे। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को, महाराष्ट्र के हर नागरिक को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। गणपति बाप्पा आप सबकी मनोकामना इच्छा पूरी करें और आप लोग हमारी मनोकामना इच्छा पूरी करें, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये मीरा भाईंदर का विकास तो इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि मैं गिनाने जाऊँ तो लंबा समय जाएगा, लेकिन आज जो विशेष रूप से आए थे वो तीन मेट्रो लाइन का भूमि पूजन करने आए थे। उसमें का एक जो था मीरा भाईंदर से संबंधित है कि पिछली बार जब वो कल्याण में आए थे तो उन्होंने एक भूमि पूजन किया था दहिसर से लेकर मीरा भाईंदर तक मेट्रो, और थाना में मेट्रो काम शुरू है, लेकिन थाना और मीरा भाईंदर का लिंक जो था वो बाकी था। उसी समय मुख्यमंत्री ने जब कल्याण में आए थे तभी उन्होंने घोषणा की थी कि हम मीरा भाईंदर थाना भी जोड़ेंगे। आज मुझे खुशी है कि थाना से मीरा भाईंदर की मेट्रो भी मंजूर हुई, उसका भी भूमि पूजन हुआ है। अब ये दोनों काम जल्द शुरू हो गए और मीरा भाईंदर रहवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात रही है, क्योंकि ट्रेन के अंदर आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति है। ये मेट्रो एक पर्याय व्यवस्था बन के उभरी है यहाँ के शहरवासियों के लिए। अब मीरा भाईंदर से आप थाना मेट्रो से जा सकते हैं और मीरा भाईंदर से मुंबई भी आप मेट्रो से जा सकते मिनटों में। मैं ये कहूँगा कि बहुत हम जितने भी हुए उसकी सफलता है, क्योंकि हम 99.99% सफल हुए, इसलिए वो सफलता ही है, निराशा वाली बात नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री हो, हम सब देश के हर एक व्यक्ति हो, उन साइंटिस्ट के पीछे भी खड़े हैं और पूर्ण ताकत से खड़े हैं और हमें विश्वास है हम पूरी चीज़ हासिल करके रहेंगे। धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा मौका है, जैसे अभी मैंने कहा कि जब रुबीना फिरोज चिन्नप्पा मोसेस के बुलावे पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं तो यही साबित होता है, यही बात ये सिद्ध करती है कि हम सब एक हैं। यही हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहसीब है जो हज़ारों सालों से हम लोगों ने फॉलो की है, जहां हर धर्म, हर जाति, हर लैंग्वेज, हर जबान के लोग यहां पे सालों साल से बसते आए हैं, जहां ईद भी उतनी ही खुशी से मनाई जाती है जितनी ही खुशी से दिवाली हो या गणपति के गणपति का अवसर हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। आप देखेंगे कि हर मज़हब के लोग इसमें पूरे दिल से शामिल होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की अखंडता है जिसको हमको कायम रखना है। मुझे इसको मैं कई सालों से देख रही हूँ फेसबुक के थ्रू, फेसबुक के माध्यम से और दूसरे माध्यम से उनको फॉलो कर रही हूँ। जो उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उनकी सोच है और जो उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, उसको परसेप्ट करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का, वो बहुत ब्रॉड और बहुत अच्छा है।
और बीइंग अ यूथ ऑफ कंट्री, हमारे देश के ये युवा जो नौजवान हैं इन पे ही हमारे देश का आगे का भविष्य निर्माण करता है। तो इनकी जो सोच है मेरे ख्याल से आज जिस तरह आपने देखा कि जिस इज्जत से उन्होंने हमें बुलाया और जिस इज्जत से उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाया है, यही चीज़ दर्शाती है उनकी एक ब्रॉड माइंडेडनेस की, और यही चीज़ दर्शाती है कि वो आगे भी देश के लिए इस तरह के काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी का सबको मैं बधाई देता हूँ, और इस गणेश चतुर्थी के माध्यम से आज महाराष्ट्र में पूरी दुनिया में आज उनका जो मान सम्मान हो रहा है, आज गणपति जी का आगमन हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक घर घर में आज गए साल से ज़्यादा, इस साल मैंने ऐसा मतलब न्यूज़ में सुना है कि गए साल से ज़्यादा इस सीज़न में बहुत से लोगों ने घर पे गणपति लाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हर घर घर में हो, एक खुशी का माहौल हो जाता है घर पर, एक घर पे एक मेहमान आने का जो खुशी होती है वो खुशी यहाँ पे सबके घर में देखा जाता है। आज मैं यहाँ पे मोजिस चिन्नाप्पा जी के घर पे आया हूँ, मुझे लगता है मोजिस चिन्नाप्पा जैसा एक अच्छा कार्यकर्ता, आज मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज इतने अच्छे मौके पे आज उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया। आज यहाँ पे वातावरण देखने के बाद ऐसा लगता है कि गणपति सही में बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़ करने का इनका काम, हर प्रोग्राम अच्छे इसे कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि घर घर में गणपति आवे और घर घर में खुशी का माहौल रहे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मैं महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आने वाले दिनों में गणपति के आशीर्वाद से बहुत ही महाराष्ट्र में एक अच्छा वातावरण हो, इधर भी बाढ़ अगर आए तो उनको खुशहाल रखे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मोजी चिन्नाप्पा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जैसा मैं उनका दोस्त हूँ हर एक पार्टी में उनके बहुत अच्छे दोस्त है, वो सबके साथ में उतने पॉलिट से बात करते हैं जितने सबके साथ में, एक ही सरीका किसी के साथ में भेदभाव नहीं, और मैं चाहता हूँ कि उनका ये कार्य ये सफल हो, और उनका जो कार्य मैं आज उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको मीरा भाईंदर में एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि सभी पार्टी के नेता उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अच्छा कार्यकर्ता ये मीरा भाईंदर में होना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी गणेश चतुर्थी की, मेरी तरफ से विजय राय जी की तरफ से, और अनुभूति मतलब आज जो मेन मकसद था लोकमान्य तिलक जी ने जिस परंपरा जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया था उसे एक परंपरागत रूप में हम रंग दे रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं सभी लोग मिलके, इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और स्पेशली चिन्नाप्पा जी आई कैन मतलब स्पेशली मैं कहना चाहूँगी चिन्नाप्पा मोजेस जी सर्वधर्म स्वभाव का जो हमेशा एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और हमेशा उनके यहाँ पे हर तीज त्यौहार में एक अद्भुत माहौल होता है, इतने शुभ चिंतक इतने भक्तों के बीच में हमेशा वो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, इसी तरह करते रहें, और सभी को शुभकामनाएं, और दैट्स इट। आई कैन जस्ट से कि बप्पा आते 11 दिन के लिए है, लेकिन इसके पीछे कई दिनों की और कई लोगों की मेहनत होती है, तो उन सभी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो इतने बारिश के बीच में किस तरह से आप सभी बप्पा के पास जाकर सभी घरों में जाकर आप दर्शन कर पाती हैं, माहौल देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, हमारे मीरा भाईंदर नगरी ही ये धर्म नगरी से जानी जाती है, और आज मुझे खुशी है कि ढाई दिन के 5 दिन कल 7 दिन हो जाएंगे और आगे 11 दिन पूर्ण हो गए, ऐसे बहुत से महोत्सव पूर्ण मीरा भाईंदर में चल रहे हैं, तो मैं सभी रहवासियों को सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ढेर सारी शुभकामनाएं के जीवन में जो गणपति बापा है जो विघ्न हरता है वो सभी के विघ्न दूर करके आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए, वैसी शुभकामनाएं मैं सभी रहवासियों को देना चाहूँगी। मोनिश जी बप्पा जी से समाज सेवक में हमेशा ही समाज के लिए कार्य करते हैं, तो बप्पा से क्या कुछ आप आशीर्वाद के रूप में उनके लिए गुड विशेस देंगी कि वो इस तरह आगे और इस क्षेत्र में और आगे बढ़े और भी कार्य करें? जी ज़रूर, मैं आज दूसरा साल है मेरा मोजिस चिन्नाप्पा जी के उधर यहाँ पे मैं गणपति महोत्सव में आती हूँ,
और उनका प्रेम स्नेह और जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग तरीका है और हमेशा सबके दिलों में छाए हुए रहते हैं। उनका काम करने का ऐसा ही तरीका कुछ है, तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि ये क्षेत्र में जो समाज सेवक के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े। हमेशा मैं उनके साथ रहूँगी और उनके पूर्ण परिवार को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम ईसाई का जो एक एकता का संदेश यहाँ आकर एक मिलता है, गणपति बप्पा मुर्मू चप्पा के घर पे आते हैं, कितना अच्छा लगता है जब आप यहाँ पे दर्शन करने के आते हैं? इसके समाज में संस्कृति बनी रहे कि एक साथ में सभी फेस्टिवल एक साथ में मनाए जाएंगे तो नेचुरली अपनी संस्कृति का भी जतन होगा और यही संस्कृति फैलाती है कि सर्व धर्म समभाव सब साथ में रहेंगे तो जैसे ही अपना परिसर आगे जाता है देश आगे जाता है, समाज आगे जाता है तो देश आगे जाता है। नौकरी पे बड़े बड़े व्यवसाय में बिजनेसमैन है काम करते हैं, पर मैंने देखा है कि वो 11 दिन छुट्टी ले लेते ऑफिस से मैं लकी हूँ कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है घर पे, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मुझे छुट्टी लेनी नहीं पड़ती, मैं शाम को पापा का सेवा कर लेता हूँ। पर अगर आप बॉम्बे में महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ अच्छे से अच्छे ओहदे वाला बिजनेसमैन वाला आप देखोगे कि वो आपको बोलेगा कि मैंने छुट्टी ले ली है। हाल ही में मैंने कुछ चीज़ बुक की थी घर के लिए, मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, बोला सर मैं 5 दिन छुट्टी पे हूँ, तो छोटे व्यक्ति है मतलब 5,000-6,000 की नौकरी पे, तो मैंने देखा गणपति बप्पा के लिए सभी को प्यार होता है, वो सब कुछ अपना कामकाज भूल के उस 10 दिन के लिए छुट्टी लेके सेवा करते हैं सिर्फ गणपति बप्पा के लिए। नवरात्रि के लिए भी अगर आप देखो तो आपको सुनने में आएगा कि लोगों ने छुट्टी लिया हो घर पे, तो आई थिंक वो हम लकी है, मैं उस माहौल में पैदा हुआ था कि ये नॉर्मल है, सबको लगता है कि ऐसा कैसे मैनेज कर पाते हो, लेकिन आज शायद 7वां दिन है और बड़े आराम से हुआ। इनफैक्ट उनके अभी 4-5 दिन और बाकी है तो और धमाल करेंगे। तो ये 10 दिन का जो माहौल होता है घर का कितना बदल जाता है, कितना पॉजिटिविटी नजर आती है घर के अंदर? उनके बप्पा का जो मंडप लगता है, जो उनका आगमन से पहला जो मंडप घर में लगता है, पॉजिटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में या मैं जहाँ रहता हूँ काफ़ी जगह पे वास्तु को लेके लोगों के मन में शंका होती है कि घर, अभी जैसे मेरे आप घर को देखो तो 2 दरवाजा है, लेकिन आप देख रहे हो मैं 3 टाइम खा रहा हूँ, खुश हूँ, पैसे हैं, इज्जत है, सब कुछ है। तो मैंने गणपति बप्पा को बिठा दिया और मैंने कहा वास्तु का दोष आप ही हटा दो, तो गणपति अपना बप्पा को विघ्न हटता है, उनके काफ़ी मीनिंग है और आई थिंक उनके आने से और उनके जाने के बाद भी जो आशीर्वाद है वो तो महसूस किया जाता है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। समाज सेवा भी करते हैं, समाज के लिए आप कार्य करते हो, शिवसेना पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो बप्पा से आप जब पूजा अर्चना करते हैं एज ए विश एज ए आशीर्वाद, आप क्या बप्पा से मांगते हैं कि किस तरह से आप इस कार्य को कर पाए और राजनीति के क्षेत्र में आप और भी अच्छा मुकाम पाए? देखिए ये जो शब्द राजनीति है, जब उसका जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं और मीडिया आती जा रही, राजनीति को लोग गंदा नाम दे रहे हैं। आज अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ गद्दारी करता है तो बोलते हैं राजनीति कर रहा है, कहीं ना कहीं आज के माहौल में आज के नेताओं ने उसको किया है। जब आप 50 साल पहले देखो कोई नेता को ये नहीं बोला जाता था कि वो राजनीति कर रहा है, राइट? आप गांधी जी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, जितने जितने हमारे वीरगति को प्राप्त हुए उनके टाइम ये शब्द राजनीति नहीं आता था। राजनीति आज क्यों आ रहा है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग अपने मतलब के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़, जब मैंने पक्ष ज्वाइन किया था, बाला साहब का आशीर्वाद है, शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जो रात को 2 बजे भी मेरे बंगले पे आके कोई घंटी बजा सकता है, मुझे नहीं पता दूसरे पक्ष क्या घंटी बजा के लोग हेल्प मांग सकते कि नहीं। तो मोजिस चिनप्पा का घर 24 घंटा चालू है, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी पत्नी नहीं है तो मेरे माँ बाप है, उन लोगों का सेवा करते हैं और ये कहीं ना कहीं शिक्षा बाला साहब ठाकरे ने दी है शिवसेना ने। और शिवसेना में काफ़ी जगह आप देखोगे तो पहले समाज सेवा होती है, 80% समाज सेवा और 20% राजकरण होता है। मेरा ये खुद का टारगेट है कि मैं 99% समाज सेवा ही करूँ और फ्यूचर में कभी राजनीति में अगर मैं जाऊँ वो सिर्फ पावर लाने ताकि मैं लोगों का सेवा और अच्छे से कर सकूँ। आप शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन जब हम मंच की बात करते हैं आपके घर पे हर एक लोग हर एक पार्टी के लोग जिस तरह से यहाँ पर मौजूद रहे, तो इससे आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए आज की तारीख में भारत धर्म में बटा हुआ है और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो राजनीति है। आज जब एक व्यक्ति टीवी चालू करता है, जब उसे 2 बड़े पार्टी नजर आते, ऐसे लगते हैं ये इंडिया पाकिस्तान जैसा युद्ध हो रहा है। आप देखिए आज टीवी पे जो डिबेट देखिए वो एक राजनीतिक डिबेट नहीं होता, ऐसे लगता है कि ये लोग पता नहीं कुर्सी के लिए एक दूसरे को शायद मार भी दे या क्या कर दे करके, वो माहौल बना रखा है करके। वो माहौल को बदलना चाहिए क्योंकि जो भी पक्ष के लोग हैं वो उनको सेवा करनी चाहिए करके। हर एक राज्य में अलग अलग पक्ष के लोग हैं, वो उस चीज़ को बोल के दुश्मनी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जब प्रोग्राम करता हूँ तो मनसे के हो, राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, मेरे खुद के घर की पार्टी जो शिवसेना है वो हो,
बहुजन समाज के लोग हैं, ये सभी आते हैं और अच्छा लगता है। और जब वो आते हैं और जब माहौल में रहता है, मुझे उनके माथे पे कोई पक्ष नजर नहीं आता है वो जब, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो तब आपको पक्ष नजर आता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि जितने भी लोग मनपा में या बाकी जगह एक दूसरे से लड़ते हैं, यहाँ पर आपने देखा रहेगा कि मनसे भी बैठे, कांग्रेस भी बैठी है, बीजेपी भी बैठे, बीजेपी के आमदार भी आके गए, हमारे आमदार को शायद थोड़ा वक्त है वो आने वाले। मैंने देखा जब वो लोग नीचे बैठते तो सब साथ में बैठते हंसी, तो मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मेरे वजह से यहाँ पर सुख शांति रहती है, लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। तो आपने विधायक को तलवार, ये है कि युति है और मैं शिवसेना से हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा तो जो युति का नेता है वो जीते। जैसे हमारे आमदार प्रताप सरनायक साहब ओला माजीवाड़ा से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मेहता साहब महेंद्र से लेके गुराई तक उनका पट्टा आता है, तो मैं पक्ष में हूँ। मैं जब वोट मांगने जाता हूँ या मैं जब प्रचार करूँगा, जब इलेक्शन का होगा, तो मैं युति के लिए प्रचार करूँगा। और हमारे युति के नेता आए थे नरेंद्र मेहता साहब, हमने आमदार साहब के लिए, प्रताप सरनायक साहब के लिए भी तलवार रखी थी, शायद वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो एक तलवार एक विजय की घोषणा होती है, लोग जीतने के बाद देते, पर हमने आज देखे एक शुभ मैसेज दिया कि हम जीतेंगे, जीत हमारी पक्की है। तो विधानसभा चुनाव में किस तरह की भागीदारी होगी आपकी, किस तरह की आप तैयार हैं चुनाव में अपनी पार्टी को जीतने? देखिए आज त्यौहार का माहौल है, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगा। और रही बात इलेक्शन का, तो इलेक्शन तो अभी एक महीने में आएगा, लेकिन जो आमदार का इलेक्शन है वो 5 साल बाद आ रहा है। आज काम करने से कुछ नहीं होगा, जो हमने पिछले 5 साल में काम किया है जनता उसका नतीजा हमें जरूर देगी। और जनता से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे गणपति की? गणपति में जो माहौल, जो भाईचारा लगा रखा है, मैंने देखा है कि काफ़ी बार पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन गणपति की मंडल में जब जाते तो एक दूसरे को हेलो बोल देते हैं। वो गणपति विसर्जन का भी आप हेलो बोलो, जिंदगी छोटी है, प्यारी है, खूबसूरत है, इसको दुश्मनी में मत रखो, प्यार मोहब्बत से रखो। थैंक यू, शुक्रिया। जिससे गणपति की शुभकामनाएं।